किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, आज के हमारे विजिटर हैं 1 जून 2019 के रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सरसावे के पास एक गांव है, गांव इब्राहिमी इब्राहिमी गांव है, वहां से आए हैं और ये भी अमरूद की खेती करते हैं और इन्होंने नींबू भी लगाए हुए हैं। तो ये आज मेरे फार्म पर ये देखने आए हैं कि भाई आप कटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कटिंग की है, इनका खेत सड़क के पास है और इनको भी लोग ये कहते हैं कितना बेवकूफ आदमी है, अच्छे अच्छे पेड़ पाले हुए पेड़ काट। तो इनके पिताजी भी आए हुए हैं साथ में और ये उन्हें ये समझाने आया है कि देखो मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, ये कटिंग होती ही है। तो मैंने इनको एक अमरूद की कटिंग दिखाई है तो इन्होंने बाग देखा, तो मैं सबसे यही फीडबैक लेता हूँ कि आप भी काम करते हैं और भी बाग देखे होंगे, आपके कैसे विचार? अब रोहित जी बताएंगे कि इन्हें अमेजिंग किसान फार्म पर आकर कैसा लगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर साहब ने बताया कि ये 11 महीने का बाग है जो कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। इनके पेड़ देख सकते हैं आप, इधर को घुमाओ, ये 11 महीने का पेड़ इतना प्रोग्रेस कर रहा है कि अगर हम लोग करेंगे तो हमारा 2 साल का बाग ऐसा हो रहा है। लेकिन ये डीकम्पोजर वगैरह का यूज़ करते हुए और सही टाइम पे कटिंग करते हुए इन्होंने इस पेड़ को बहुत अच्छे से ग्रो किया है जो कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आज यहाँ पे कटिंग के लिए आया था डॉक्टर साहब के पास में कि कटिंग किस टाइम पे करनी है और कैसे करनी है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक पेड़ की कटिंग करके दिखाई है जिसके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। दीजिए, तो ये देखिए, एक पेड़ की कटिंग करके डॉक्टर साहब ने दिखाई है हमें। पहले ये पेड़ जैसा कि डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं इतना बड़ा यहाँ पे लगा हुआ था, इस टहनी को अगर हम जोड़ के दिखाएं, इनको क्या किया कि इन्होंने हाफ पे कटिंग की है। अब ये पेड़ पहले ऐसा था तो अब ये इतना रह गया है, जो कि अगर आम किसान देखेगा इसको तो वो सोचेगा कि पेड़ ही ख़त्म कर दिया हमने। तो कुछ कटिंग मैंने भी की थी अपने यहाँ पे, मेरे पास भी 20 बीघे के आसपास बाग है अमरूद का, तो वहाँ पर जो भी देखता है वो लोग वहाँ कहते हैं कि भाई आपने तो पेड़ ही ख़त्म कर दिया है। तो मुझे भी मन में ये लगा कि भाई हो सकता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आज जो त्यागी जी हैं गाँव बड़ुल्ली में, इनका फार्म है और बहुत अच्छा फार्म इन्होंने ये अपना लगाया हुआ है। देखिए ये लगभग मेरे ख्याल में 20 बीघे के आसपास ही होगा ये बाग, नहीं बाग 10 बीघे, 10 बीघे में बाग है ये। तो देखिए कितना अच्छा बाग लगाया हुआ है, बस इस तरीके से कटिंग करनी है। इससे क्या होगा कि ये पेड़ जो है अपनी छतरी नुमा बना के चलेगा, ये इसकी जो ग्रोथ है वो अब चारों तरफ होके चलेगी, ना कि केवल ऊपर की तरफ बढ़ के चलेगी। तो कुछ क्वेरी थी मेरी, वो उनका समाधान डॉक्टर साहब ने आज किया है, मैंने इनका सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने डीकम्पोजर वगैरह के बारे में भी मुझे जानकारी दी है, जो कि पीछे इन्होंने अपना फार्म बनाया हुआ है उसमें इन्होंने रॉक फॉस्फेट डाल के खाद तैयार की है, वो भी बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। और सर बहुत ही सहयोग करते हैं, इन्होंने मुझे भी जो मदर कल्चर है वो दिया है, अभी उससे मैं भी जाके अपने यहाँ तैयार करूँगा। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित शर्मा गांव इब्राहिमी सरसावे से, आपको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि किसी की भी कही हुई और सुनी हुई बातों पर मत जाइए। कही हुई और सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है, आप एक बार जरूर किसी भी फार्म पर जाइए और ये देखिए कि क्या जो वो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।